हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टेंबुलकर। आज से हम स्टार्ट करने वाले कि इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक होगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, और इसके ऊपर हमारे 5 से 6 लेक्चर हो जाएंगे। और देन आफ्टर वी विल सी व्हाट इज योर बायोडायवर्सिटी एंड योर क्लाइमेट चेंज। दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ योर इकोलॉजी, सॉरी इन्वायरमेंट, राइट। तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को समझते हैं। तो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में होते हैं आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या होता है आपके टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोम्स, और देन आफ्टर वी विल सी व्हाट इज योर यूट्रोफिकेशन। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपके इकोसिस्टम और इकोलॉजी में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। तो पहला होता है आपका इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब मान लीजिए कोई सिंगल पर्सन या फिर कोई सिंगल स्पीसीज, जिसको हम कहेंगे आपके इंडिविजुअल्स। जब सिंगल स्पीसीज का ग्रुप होगा, मतलब किसी एक स्पीसीज का ग्रुप होगा, उस ग्रुप को हम कहेंगे उनकी पॉपुलेशन। और इसीलिए हम कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, टाइगर पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, ईटीसी, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव अ कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है समझ लेते हैं। मान लो पॉपुलेशन है एक, वहाँ पे फिर डॉग्स भी रहेंगे, डॉग्स का पॉपुलेशन, टाइगर रहेंगे, टाइगर का पॉपुलेशन, कुछ प्लांट्स होंगे, प्लांट्स का पॉपुलेशन। ऐसी मिक्स पॉपुलेशन अगर होगी किसी जगह तो उसी को हम कहेंगे आपकी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इज नथिंग बट द मिक्स पॉपुलेशन, अ ग्रुप ऑफ मिक्स पॉपुलेशन, उसी को हम आपकी कहेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद है हमारी इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बायोम्स, एंड बायोम्स के बाद हम देखेंगे आपका बायोस्फीयर। तो इंडिविजुअल्स में हम पढ़ेंगे आपकी स्पीसीज, और हम देखेंगे कितनी टाइप की स्पीसीज होती है, मतलब हमने उनको कुछ हेड्स में डिवाइड किया है, तो उन हेड्स को हम पढ़ेंगे। तो पहला आपकी स्पीसीज मतलब आपका इंडिविजुअल्स, और स्पीसीज होती है नेटिव या फिर नॉन नेटिव स्पीसीज। तो नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीसीज होती क्या है उनको पहले समझते हैं। तो मान लीजिए कोई स्पीसीज है जो किसी एरिया पे ओरिजिनेट हुई है। ओरिजिनेट हुई मतलब उसको क्लाइमेटिक कंडीशन सूट हो गई और वो वहाँ पे किसी एरिया पे ओरिजिनेट हो रही है। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहेंगे आपकी नेटिव स्पीसीज, मतलब उनको किसी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, वो खुद से वहीं पे ओरिजिनेट हुई है। नेटिव स्पीसीज ओरिजिनेटेड इन जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, राइट। फिर आती है आपकी नॉन नेटिव स्पीसीज, जिनको डिलिबरेटली या फिर एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है किसी एरिया में, उनको हम कहेंगे वहाँ की नॉन नेटिव स्पीसीज, मतलब वो उस क्लाइमेट को सूट करके इवॉल्व नहीं हुई है, वो कहीं से एक्सटर्नली इम्पोज करी जा रही है डिलिबरेटली या फिर एक्सीडेंटली। ऐसी स्पीसीज को हम कहेंगे आपकी नॉन नेटिव स्पीसीज। सो हैव बीन इंट्रोड्यूस डिलिबरेटली और एक्सीडेंटली फ्रॉम अदर जियोग्राफिकल एरिया, इनको कहेंगे आपकी नॉन नेटिव स्पीसीज। तो आपकी है टी। इंडियंस की शुरुआत बिना टी के होती नहीं है, ठीक है। पर आपको पता है इंडिया कहाँ की नेटिव स्पीसीज है? इंडिया है चाइना की नेटिव स्पीसीज। फिर आते हैं आपका कॉफ़ी। कॉफ़ी है साउथ अमेरिका की नेटिव स्पीसीज, जिसको लाया था बाबा बुदान ने, बाबा बुदान। और थर्ड है आपका पटेटो, और पटेटो को लाया था पोर्तुगीज ने। तो बगैर पोटैटो के समोसा हो नहीं सकता है, पर आपको पता है ना कि पोटैटो भी आपका नॉन नेटिव स्पीसीज है। देन आफ्टर वी हैव सुगर केन एंड बाम्बू एंड कॉटन, और सुगर केन, बाम्बू एंड कॉटन है हमारी इंडिया की नेटिव स्पीसीज, और टी, कॉफ़ी और पोटैटो है हमारे इंडिया की नॉन नेटिव स्पीसीज। देन आफ्टर वी हैव अ सेकंड टाइप ऑफ स्पीसीज, जिनको कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है एंडेमिज्म या फिर एंडेमिक, ठीक है। समझ लीजिए एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक। तो इन तीनों को एक एक साथ पढ़ लेते हैं। तो मान लो जो कोई स्पीसीज है किसी एक जगह पे अवेलेबल है और दूसरी जगह पे अवेलेबल नहीं है बाकी कहीं पे, तो ऐसी स्पीसीज को हम कहेंगे आपकी एंडेमिक स्पीसीज। ये होती है आपकी एंडेमिक स्पीसीज। मान लो वही स्पीसीज पॉकेट्स में जगह जगह पे अवेलेबल है या फिर पाई जाती है, इनको कहेंगे हम आपकी एपिडेमिक स्पीसीज, एपिडेमिक स्पीसीज। और मान लो कोई स्पीसीज है जो हर जगह पाई जाती है, ठीक है, हर जगह पाई जाती है,
ऐसी स्पीसीज को हम कहेंगे आपकी पैंडेमिक स्पीसीज। तो कोरोना पैंडेमिक, पैंडेमिज्म क्यों नाम आया उसको, क्योंकि वो हर जगह पाया जा रहा है, इसलिए कोरोना पैंडेमिक। तो हमने समझ लिया कि क्या होता है आपका एंडेमिक, पैंडेमिक और एपिडेमिक। अभी समझ लेते हैं एंडेमिक स्पीसीज के बारे में। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज विच फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। तो इंडिया में ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो इंडिया की एंडेमिक स्पीसीज है। तो पहला है आपका रेड सैंडर, मतलब आपका लाल चंदन, जो कि पाया जाता है ईस्टर्न घाट में। और ईस्टर्न घाट का फॉरेस्ट कैसा है, मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। और ईस्टर्न घाट के सेसाचलम हिल्स, और सेसाचलम हिल्स कहाँ पे है आपकी, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे रेड सैंडर पाया जाता है। और इसको प्रोटेक्शन मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल नंबर 6 में, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब WPA ऑफ 1972, इसकी 6 शेड्यूल्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो इस 6 शेड्यूल में रेड सैंडर को प्रोटेक्शन मिला है। और बाकी के जो 5 शेड्यूल्स हैं वो होते हैं एनिमल्स के लिए, और 6 शेड्यूल होता है आपके प्लांट के लिए। फिर है आपका वर्ल्ड ड्यूरियन, जो कि एंडेमिक है आपके वेस्टर्न घाट का। देन आफ्टर वी हैव अ गोल्डन लंगूर, जो कि एंडेमिक है भूटान और अरुणाचल प्रदेश रीजन में। एंड थर्ड हमारा फोर्थ है कोंडाना रैट, जो कि एंडेमिक है महाराष्ट्र में। तो ये रहा आपका रेड सैंडर, ये है आपका वर्ल्ड ड्यूरियन, देन वी हैव अ गोल्डन लंगूर, जो कि एंडेमिक है आपके भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। और देन आफ्टर वी हैव अ कोंडाना रैट, जो कि महाराष्ट्र में एंडेमिज्म है, एंडेमिक है, राइट। तो जो कोंडाना रैट है वो सिर्फ 1 square kilometer इतने ही रीजन में पाया जाता है, कोंडाना फोर्ट के पास। तो हमने तो समझ लिया, अभी मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं इनका लोकेशन। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ मैप। तो ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, ये है आपका ईस्टर्न घाट, ये रहा आपका भूटान, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और भूटान, ये है महाराष्ट्र। तो आपको वेस्टर्न घाट में मिलेगा वाइल्ड ड्यूरियन, वाइल्ड ड्यूरियन, और सेसाचलम हिल्स जो आंध्र प्रदेश में है वह आपको देखने को मिलेगा रेड सैंडर, मतलब रक्ता चंदन। देन आफ्टर हमारे पास है महाराष्ट्र में कोंडाना रैट, जो कि कोंडाना फोर्ट के पास देखने को मिलेगा। और भूटान और आंध्र, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों के बीच वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा गोल्डन लंगूर, जो कि एंडेमिक है इस रीजन में, ठीक है। तो ये था आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। देन आफ्टर वे हम आगे पढ़ते हैं कि इंडिया में एंडेमिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एंडेमिज्म है 3 जगह। पहली है आपकी वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो कि जहाँ पे है आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पे मिलेंगे आपको लायन टेल्ड मकाओ, ये है। फिर है हमारा नीलगिरी तहार, ये रहा उसका पिक्चर, और नील कुरुंजी फ्लावर, जो कि आपको मिलेंगे 16 फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में। तो ये है आपके नील कुरुंजी के फ्लावर्स, और इनकी खास बात ये होती है कि ये सिर्फ 12 साल में एक बार फ्लावर आता है इनको, ठीक है, 12 साल में सिर्फ एक ब्लावर ही वो फूलते हैं। ये है होती है आपकी नील कुरुंजी की खासियत, और नील कुरुंजी की वजह से ही नीलगिरी बायोस्फीयर को उसका नाम मिला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका ईस्टर्न हिमालय, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन है 3 डिफरेंट ज्योग्राफिकल जोन्स का। और उसके बाद है थर्ड नंबर पे आपका सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि मिलेगा आपको निकोबार आइलैंड में। तो इनका भी लोकेशन देख लेते हैं। तो मान लीजिए, मानना क्या है, समझ ही लीजिए, ये आपका वेस्टर्न घाट, ये आपका ईस्टर्न हिमालय। तो फर्स्ट नंबर पे आपका वेस्टर्न घाट, सेकंड नंबर पे आपका ईस्टर्न हिमालय, और थर्ड नंबर पे आता है आपका सुंडा लैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो कि अंडमान निकोबार पे है, ठीक है, और परफेक्टली बोला जाए तो निकोबार आइलैंड पे।
तो ये था उनका जोग्राफिकल लोकेशन। अब देखते हैं आगे। थर्ड टाइप की स्पीसीज है जो उनका नाम है इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। तो मान लीजिए इन्वेजिव एलियन स्पीसीज होती क्या है, तो समझिए एक कंट्री ने रैबिट को इंट्रोड्यूस किया था अपने कंट्री में, ठीक है। तो रैबिट को किसी से ख़तरा ही नहीं था, और रैबिट की खासियत ये होती है कि उनका प्रोडक्शन हाई होता है, मतलब वो रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत हाई रेट पे, और उनको किसी से ख़तरा ही नहीं था। जैसे मान लो अगर किसी और इलाके में होते तो उनको वुल्फ खा जाता, तो वहाँ के उल्फ भी उनको नहीं खा रहे थे। उसकी वजह से क्या हुआ, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फिर उन्होंने फार्म में जितने भी प्रोड्यूस हो रहा था फार्म के प्रोड्यूस को खाना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से इकोनॉमी को बहुत घाटा हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्पीसीज जिनको किसी से ख़तरा नहीं होता और जो कि नॉन नेटिव स्पीसीज है उनको इंट्रोड्यूस करा गया है किसी जगह, उनको कहेंगे हम आपकी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, मतलब उनका प्रेडेटर कोई होता नहीं है और उससे वजह से वो क्या करती है, प्रोपोगेट हाई रेट पे वो प्रोपोगेट कर लेती है, ठीक है। तो दीज आर अ नॉन नेटिव स्पीसीज विच आर हार्मफुल टू इकोसिस्टम बिकॉज दे प्रोपेगेट वेरी रैपिडली और दे आर नॉट वेल इस्टेब्लिश इन फूड चेन, मतलब फूड चेन। तो हमने देखा कि उल्फ को समझ ही नहीं आ रहा था कि इन रैबिट्स को खाना भी है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा था, उल्फ उनको खा नहीं रहे थे, और उल्फ नहीं खाने के कारण उनके नंबर्स और ज़्यादा बढ़ गए, जिसके वजह से इकोनॉमी को बहुत बड़ा फटका पड़ गया, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉटिक स्पीसीज। तो इंडिया में जितने भी कॉमन स्पीसीज है जो कि इन्वेजिव स्पीसीज है उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो कॉमन इन्वेजिव स्पीसीज इन इंडिया, फर्स्ट प्रोसोफिस जुलीफ्लोरा, मतलब गंदा बवाल। लेट मी जूम इट फॉर यू। तो ये है आपका प्रोसोफिस जुलीफ्लोरा, मतलब गंदा बवाल। देन आफ्टर वी हैव कॉमन वाटर हिसिन। तो कॉमन वाटर हिसिन ये रही उसकी पिक्चर। तो कॉमन वाटर हिसिन आपका इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्यों है, इसको समझ लें। ये फ्लोट करेंगे आपके वाटर बॉडीज पे, और वाटर बॉडीज पे अगर ये फ्लोट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कि वाटर बॉडीज़ को पूरा कवर कर लेंगे, और जैसे ही उन्होंने वाटर बॉडीज़ को कवर कर लिया, सनलाइट आपकी वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं जाएगी, और सनलाइट वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं जाएगी तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो कि पानी में है वो मर जाएंगे। अगर वो मर गए तो मछलियों का खाना नहीं बचेगा, और अगर मछलियों का खाना नहीं बचा तो मछलियाँ भी मरना स्टार्ट हो जाएगी, और इसीलिए हम कॉमन वाटर हिसिन को भी कहते हैं आपकी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। देन आफ्टर वी हैव लैंटाना कमारा। तो लैंटाना कमारा है ये, आपने बहुत जगह देखा होगा इस फ्लावर को, इस प्लांट को, ये है लैंटाना कमारा, और ये भी एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। देन वी हैव अ पार्थेनियम हाइस्टरोस्पोरस। पार्थेनियम हाइस्टरोस्पोरस ये है, आपको हर जगह मिल जाएगा इंडिया में, ये आया है अमेरिका से और ये इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। देन वी हैव यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस मतलब नीलगिरी के पेड़। तो होता क्या है, नीलगिरी के पेड़ की रूट सबसे डीप जाती है आपके सॉइल में, और इससे क्या होगा, जितना भी आपका ग्राउंड वाटर है उसकी प्लेट, उसका टेबल नीचे चला जाएगा, और अगर ग्राउंड वाटर का टेबल नीचे जा रहा है इसका मतलब आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा नहीं ज़्यादा, और इसलिए इन्वेजिव स्पीसीज में आती है आपकी पार्थ यूकेलिप्टस, राइट। देन वी हैव अकेशिया, और अकेशिया का पिक्चर रहा ये। सो अभी तक ये हमने देख लिया कि आपकी एंडेमिक स्पीसीज क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज क्या है, और आपकी नेटिव एंड नॉन नेटिव स्पीसीज क्या है। अभी हम देख लेते हैं आपकी कीस्टोन स्पीसीज क्या है। दीज आर द स्पीसीज विच आर लेसर इन नंबर बट हैव अ डिसप्रोपोर्शनेटली लार्जर इफेक्ट ऑन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट। इन द अब्सेंस ऑफ द कीस्टोन स्पीसीज द एंटायर इन्वायरमेंट में कोलैप्स। तो कीस्टोन स्पीसीज होती क्या है उनको समझ लेते हैं। मान लो जंगल में शेर है, शेर क्या करेगा, शेर खाएगा डियर को, और डियर किसको खाएगी, डियर खाएगी ग्रास को। अभी हमने शेर को अगर हटा दिया तो डियर का क्या होगा, डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। डियर का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वो ग्रास खाना स्टार्ट कर देगी जो नया नया उग रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा, ग्रास बचेगी नहीं, जो नए नए पेड़ पौधे उग रहे हैं उनको भी वो खा जाएंगी, जिससे क्या होगा, नए पेड़ नहीं बनेंगे। अगर नए पेड़ नहीं है, नए ग्रासेस नहीं बचे हैं, तो कुछ समय ऐसा आएगा कि डियर को खाने के लिए ग्रास और पेड़ दोनों नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, फिर डियर भी मर जाएगी।
और अगर ग्रासेस नहीं है, प्लांट्स नहीं है, तो आपकी सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका जंगल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जंगल डिस्ट्रॉय हो गया फिर आपकी हर्बिवोरस एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और इसी के साथ साथ आपका एंटायर इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और इसलिए टाइगर को कहा जाता है की स्टोन स्पीसीज, मतलब जितने भी टॉप लेवल प्रेडिएटर है उनको कहा जाता है की स्टोन स्पीसीज। अगर मान लो आपने डियर है, ग्रास बचा हुआ है और आपने शेर को इंट्रोड्यूस किया, तो डियर इस फियर में रहेगी कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, और इससे वजह से वो भागना स्टार्ट करेगी अगर उसको प्रेडेटर दिख रहा है तो। इससे क्या होगा, वो बस थोड़ा सा ही ग्रास खाएगी और भागी चली जाएगी, जिससे उस नए नए पेड़ पौधों को उगने में समय मिल जाएगा, और दौड़ने के कारण डियर का भी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, ठीक है। और डियर का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, और आपके पेड़ पौधे को उगने के लिए समय भी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको फियर है कि उसको शेर ना खा जाए, और इसीलिए फिर ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर पूरा इन्वायरमेंट डिपेंड होता है या फिर पूरा इकोसिस्टम डिपेंड होता है, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं आपकी की स्टोन स्पीसीज। तो जितने भी टॉप लेवल प्रेडेटर है वो होते हैं आपके की स्टोन स्पीसीज। एलिफेंट भी की स्टोन स्पीसीज होता है, कैसे समझते हैं, मान लो एलिफेंट का ग्रुप जा रहा है, उनके ग्रुप में मेन होता है टस्कर। टस्कर क्या करता है, जितने भी रास्ते में हर्डल आएंगे उनको वो साइड में हटाता चला जाएगा। मान लो टस्कर जा रहा है, उसके आगे पेड़ आ गया, तो पेड़ को क्या करेगा, उखाड़ के फेंक देगा, और पेड़ को अगर उखाड़ के फेंक दे रहा है तो ये पाथ क्रिएट हो जाएगा। तो जितने भी फिर टॉप प्रेडेटर्स है उस पाथ को यूज करते हुए अपने प्रे के पीछे दौड़ेंगे, राइट। अगर मान लो प्रेडेटर अपने प्रे के पीछे दौड़ रहा है, बीच में रास्ते में अगर उसको हर्डल आ गया, पेड़ आ गया, तो प्रेडेटर उसको टकरा जाएगा और उससे मौत हो जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, टॉप लेवल प्रेडेटर मर जाएंगे और उससे आपका इकोसिस्टम भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसलिए हम एलिफेंट को भी कहते हैं आपकी टॉप लेवल, सॉरी, कीस्टोन स्पीसीज। देन आफ्टर वी हैव अ पॉलिनेटर सच एज बटरफ्लाई एंड हनी बी। पॉलिनेटर क्या करेंगे, टॉप क्रॉस पोलिनेशन करेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी वेराइटीज आएंगी आपके वेजिटेशन में, राइट। और क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है मतलब आपके क्या होगा, सीड्स ज़्यादा तैयार होंगे, ज़्यादा सीड्स तैयार होंगे तो ज़्यादा फिर प्लांट्स आएंगे। तो बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज भी एक करंट अफेयर्स का टॉपिक कर लेते हैं। तमिलनाडु बिकम अ फिफ्थ स्टेट टू डिक्लेयर स्टेट बटरफ्लाइज। तो अगर तमिलनाडु बना है फिफ्थ स्टेट, तो उसके पहले चार स्टेट थे, वो कौन थे, तो उसके लिए निमोनिक्स देख लो, मुक्त। मुक्त मतलब महाराष्ट्र, उत्तराखंड, केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र के पास जो उसका स्टेट बटरफ्लाई है वो है ब्लू मॉर्मन, और ब्लू मॉर्मन रहा ये। देन वी हैव उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो पास स्टेट बटरफ्लाई वो है कॉमन पीकॉक, और कॉमन पीकॉक है ये ग्रीन कलर वाला। देन वी हैव कर्नाटका में सदर्न बर्ड विंग, और सदर्न बर्ड विंग की पिक्चर रही ये। और केरला में है मालाबार बैंडेड पीकॉक, मालाबार बैंडेड पीकॉक रहा ये। एंड देन वी हैव तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो स्टेट पीकॉक, सॉरी, स्टेट बटरफ्लाइज बना है वो है तमिलियन वॉरियर या फिर तमिल योमैन, और पिक्चर रही उसकी ये। तो इंडिया में पांच स्टेट ऐसे हैं जिनके पास स्टेट का बटरफ्लाई है। पहला है महाराष्ट्र, देन वी हैव उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कर्नाटका, केरला एंड लास्ट हमारा तमिलनाडु, और ये रही उनकी लिस्ट। तो इनका ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो ये रहा आपका उत्तराखंड, ये आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद ये रहा आपका कर्नाटका, कर्नाटक के बाद ये रहा केरला, और ये रहा आपका तमिलनाडु। तो ये पांच स्टेट जहाँ के क्या है, स्टेट बटरफ्लाइज। तो हमने करंट टॉपिक भी देख लिया, अभी हम देख लेते हैं वो क्या होते हैं आपके इंडिकेटर स्पीसीज। तो दे आर सेंसिटिव टू सम एनवायरनमेंट कंडीशन एंड ऑल्सो नोन एज सेंटिनल स्पीसीज। तो इंडिकेटर स्पीसीज इन्वायरमेंट कंडीशन को सेंसिटिव होते हैं, और इसलिए उनको सेंटिनल स्पीसीज भी कहा जाता है। तो जैसे कि लाइकन्स एंड फ्रॉग्स,
तो लाइकन इंडिकेट करता है कि आपकी बारिश एसिडिक है या फिर नहीं है, मतलब एसिडिक रेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इंडिकेट करता है आपके लाइकन्स। और फ्रॉग इंडिकेट करता है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना है। तो अगर मान लो किसी एरिया में से फ्रॉग्स अगर वाइप आउट हो गए और आपको फ्रॉग्स देखने को नहीं मिल रहा किसी एरिया में, इसका मतलब उस एरिया में मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया है। और मॉइस्चर कंटेंट कम हो गया मतलब उस एरिया में 5 साल बाद ड्रॉट आएगा, ड्रॉट। तो ये एक इन्वायरमेंटल कंडीशन इंडिकेट करता है फ्रॉग कि आपके एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है और कितना नहीं है, राइट। तो अभी और एक बात समझ लेते हैं कि टॉप लेवल प्रीडेटर्स, मान लो शेर है, शेर की अगर हालत बहुत ख़राब है, मतलब वो अनहेल्दी है। अनहेल्दी है मतलब क्या है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। खाने को क्यों नहीं मिलेगा, जब हर्बीवर्स एनिमल आपके फॉरेस्ट में नहीं होंगे तब, हर्बीवोरस मतलब घास खाने वाले एनिमल्स, जब आपके जंगल में नहीं होंगे तब इसको खाने को नहीं मिलेगा। और जंगल में घास खाने वाले एनिमल कब नहीं होंगे, जब जंगल में घास ही नहीं होगी, तो ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है, अगर शेर की हालत देखें हमें क्या पता चल रहा है कि शेर को खाने को नहीं मिल रहा है। और खाने को क्यों नहीं मिलेगा, जब आपकी ग्रास नहीं होगी और ग्रास को खाने वाले एनिमल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें शेर की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि आपके इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी होगी। और इसलिए हम इस शेर को भी क्या कहते हैं, आपका इंडिकेटर स्पीसीज, मतलब जितने भी टॉप लेवल के प्रेडेटर हैं, ऑल टॉप लेवल प्रेडेटर, प्रेडेटर ये क्या है, आपके सभी सभी के सभी है इंडिकेटर स्पीसीज, इंडिकेटर स्पीसीज, राइट। थैंक यू गाइज, दिस वॉज माई टाइम। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या होते हैं आपके फंक्शन इकोसिस्टम के, और फिर हम उसी में देखेंगे कि आपका